डोंट बी स्लो इन एनीथिंग। अगर अभी आपको गेम ऑफ थ्रोन्स का एक एपिसोड देखने को बोल दिया जाए तो एक घंटा निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। वहीं अगर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने को बोल दिया जाए तो भी एक घंटा निकल जाएगा और 10 लाइन भी नहीं लिखी होंगी। और यहीं दिख जाता है कि आप कितने स्लो हो अपने काम में। एंड यू कांट बी स्लो व्हेन यू वांट टू एक्सेल इन योर फील्ड। आपने हमेशा कुछ लोगों को देखा होगा कि वो सारे काम क्विकली फिनिश कर लेते हैं और आपको वही काम करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं खुद कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करता हूँ किसी भी काम को क्विकली फिनिश करने के लिए। मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं, कुछ गेम्स ऐप्स यूज़ किए हैं, कुछ ट्रेनिंग्स भी की हैं और वो इतने सालों की लर्निंग इस 5 मिनट की वीडियो में बताने वाला हूँ। देयर आर 2 मेजर बेनिफिट्स ऑफ मैनेजिंग योर टाइम। एक तो आप सबसे यूनिक माने जाते हो अपने ऑफिस में, और दूसरा क्योंकि आप जल्दी काम फिनिश कर लेते हो यू एक्चुअली गेट फ्री टाइम टू डू समथिंग एल्स। तो फर्स्ट स्टेप है ट्रीट योर वर्क लाइक अ टीवी सीरीज एपिसोड। जितने फोकस के साथ एक फेवरेट सीरीज का एपिसोड देखते हो उस टाइम आप ना तो मोबाइल यूज़ करते हो ना ही किसी से बात करते हो, तो वैसे ही जो भी काम हो, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है या फिर कोडिंग या फिर रिव्यू, इतने फोकस के साथ करो जितने फोकस के साथ आप टीवी सीरीज देखते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल लैक दैट फोकस एक्चुअली। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव यू 2 टिप्स टू इजीली इंप्रूव योर फोकस। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो मुझे केमिस्ट्री से बहुत डर लगता था। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्टेट बोर्ड से जो लोग होंगे उनको पता होगा कि 2 बुक्स होती हैं केमिस्ट्री की एंड दे वर ह्यूज बुक्स। बोर्ड एग्जाम में जो रिवीजन हम लोग करते हैं वो इम्पॉसिबल होता है पूरी बुक को फिर से रीड करना। मैंने उस टाइम केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक पूरी की पूरी बुक सिंगल A4 साइज पेपर के फ्रंट एंड बैक पेज पर लिख दी थी। मुझे कोई और तरीका ही नहीं दिख रहा था उसको रिवाइज करने का। दैट टाइम अनोइंगली आई इंप्लीमेंटेड अ क्रूशियल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक कि कम से कम टाइम में मैं फुल बुक रिवाइज कैसे कर सकता हूँ। सिर्फ इम्पॉर्टेंट नोट्स एंड फॉर्मूलाज थे उस पेज पर। मैंने उस पेज को रीड किया एंड उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने गया एंड आई वॉज एक्चुअली द सिटी टॉपर इन माई 12th। मोर ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपको ऐसे टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हमेशा ढूंढते रहना। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप, यूज़ स्टिकी नोट्स सीरियसली। स्टिकी नोट्स मेक योर लाइफ वेरी सिंपल एक्चुअली। अपने सारे काम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नोट करो, और बेस्ट होगा अगर एक टाइप के काम एक बार में कर लो। फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट रिव्यू, कोड रिव्यू एक साथ करो, उस रिव्यू वाले माइंड सेट में काम जल्दी होगा। थर्ड स्टेप इज़ टू डेलीकेट योर वर्क। इफ़ यू थिंक दैट यू डोंट वॉन्ट टू डू दिस वर्क और यू कैन डू समथिंग बेटर, राइट, जो भी काम आपके अलावा कोई और कर सकता है तुरंत डेलीकेट कर दो। आपका अपना टाइम सिर्फ उस काम में लगाना है आपको जो काम एक्चुअली में आपके कैलिबर का है। फोर्थ स्टेप, राइटिंग एंड रीडिंग स्पीड। इनिशियली इवन आई यूज टू लुक एट द कीबोर्ड वाइल टाइपिंग, लेकिन आज ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं लाइक फास्ट फिंगर्स जो आपकी टाइपिंग स्पीड को ईजिली डबल कर सकते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अब इमेजिन करो आपकी टाइपिंग की स्पीड अगर डबल हो जाए और रीडिंग स्पीड 4 टाइम्स हो जाए तो यू कैन सेव लाइक आवर्स एवरी डे। रीडिंग स्पीड फास्ट करने के लिए आपको बहुत वीडियोज़ मिल जाएंगे। बेसिकली यू नीड टू लर्न हाउ टू स्पीड रीड। ओके, फिफ्थ स्टेप, यूज़ चैट GPT और AI टूल्स। जस्ट वन एग्जाम्पल, राइट, मैंने जब ये YouTube वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि सब टाइटल्स कैसे जनरेट करना है। फिर मैंने वेबसाइट्स एक्सप्लोर की और देखा कि मोस्टली कंपनीज चार्ज करती हैं सब टाइटल के लिए। फिर मैंने एक दिन चैट GPT को ट्रेन किया। ऑब्वियसली इनिशियली चैट GPT ने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए और मुझे काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा, लेकिन अब ट्रेनिंग के बाद मैंने चैट GPT को काफ़ी अच्छा बना दिया है। मैं चैट GPT से अपनी हिंदी लैंग्वेज के वीडियोस के इंग्लिश सबटाइटल्स 5 मिनट में जनरेट कर लेता हूँ। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। आपके पास टेक्स्ट से रिलेटेड काफ़ी काम होंगे लाइक डॉक्यूमेंटेशन, ईमेल, कोडिंग और सर्चिंग एनीथिंग, एंड चैट GPT को ट्रेन करने में भी टाइम लगेगा बट इट विल बी फ्रूटफुल इन द एंड। सिक्स स्टेप, मल्टीटास्किंग। इट्स द ओनली वे टू स्टैंड आउट इन द क्राउड। जो भी टास्क आप करते हो वो सारे एक्टिव टास्क नहीं होते, और ऐसा टाइम आता है जब आपको कुछ वेट करना होता है कुछ टाइम के लिए। उस वेट टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करो। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट सूट को रन करने में 20 मिनट्स लगते हैं, तो उस 20 मिनट्स में आप कोड रिव्यू या डॉक्यूमेंट राइटिंग कुछ भी ऐसा काम है जिससे आप प्रोग्रेस कर सकते हो तो वो ज़रूर करो। आई नो ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मल्टी टास्किंग इज़ टफ बट इट विल हेल्प यू फिनिश योर टास्क बिफोर टाइम। और फोकस इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स ये हैं कि जैसे आप अपने बॉडी पार्ट्स के लिए वर्कआउट करते हो टू बी हेल्दी, वैसे ही आपको अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करनी होगी। इसके लिए 2 फेमस तरीके हैं। एक तो आप ब्रेन टीजर ऐप्स को यूज़ कर सकते हो या फिर गेम्स खेल सकते हो लाइक चेस, और दूसरा है मेडिटेशन। बोथ ऑफ दिस एक्टिविटी विल एक्चुअली इम्प्रूव योर फोकस सिग्निफिकेंटली।